हेलो एवरीवन वेलकम टू कुक कुकविथ शगुन आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड वो भी बिना कस्टर्ड पाउडर के जी हाँ ये बिना कस्टर्ड पाउडर के भी इतना क्रीमी एंड डिलीशियस से बनता है कि आप खाते ही रह जाओगे हर रोज़ आप इसे बनाओगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये कैसे बनता है तो सबसे पहले प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और आप इसे शेयर भी कर सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते फटाफट ये कस्टर्ड रेसिपी सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैंने 500 सौ दूध लिया है ये कच्चा वाला दूध है इसको मैंने उबाला नहीं है और यहाँ पे हम गैस की आंच धीमी रखेंगे और दूध में यहाँ पे एक उबाल हम आने देंगे तब तक हम इसे पकाएंगे इस दूध में से हम थोड़ा दूध निकाल देंगे यानी कि एक चौथाई कप जितना आप दूध इसमें से निकाल दीजिए और इसे साइड में रख दीजिए अब हम बिना कस्टर्ड पाउडर का ये कस्टर्ड बना रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है कि आप एक छोटी कटोरी ले लीजिए और उसके अंदर हम डालेंगे दो बड़े टेबल स्पून और एक आधा टेबल स्पून ऐड किया है जो कॉर्नस्टार्च आता है वो यूज़ किया है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया है और एक छोटी चम्मच वनीला एसेंस डाला है और जो दूध हमने साइड में रखा था वो इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे जब तक इसमें लम्स ना रहे तब तक हम इसे मिक्स करेंगे तो ये जो वनीला पाउडर यूज़ नहीं कर रहे इसे इसके जगह हम ये यूज़ कर रहे आप जब भी आ, कस्टर्ड पाउडर का जो पैकेट आता है वो आप परचेस करोगे तब आप उसके पीछे के जो इंग्रेडिएंट्स है वो चेक करना इसमें यही है कॉन्स्टास्ट वेनीला एसेंस थोड़ा सा सॉल्ट और मिल्क बस इस तरह का ही इसमें इंग्रेडिएंट्स होता है यहाँ पे हमारे दूध में एक उबाल आ चुका है तो इसे हम चलाएंगे उसके बाद धीरे धीरे जो कॉर्नस्टार्च स्लरी हमने तैयार की थी वो इसमें डालते जाएंगे और इसे चलाते जाएंगे और चलाना ज़रूरी है वरना ये नीचे चिपक सकता है यहाँ पे आप गैस की आंच धीमी ही रखना और धीरे धीरे हम इसे दो मिनट तक पकाएंगे तो ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा और इसे चलाना ज़रूरी है दो मिनट तक ही आप इसे पकाए तो दूध भी गाढ़ा हो चुका है तो इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप चीनी डालेंगे उसके बाद थोड़ा सा फू, येलो फूड कलर ऐड किया है ये फूड कलर आपको डालना हो तो भी डाल सकते हो वरना इसे स्किप भी कर सकते हो अब इसे हम मिलाएंगे जब तक इसमें चीनी पिघल ना जाए और गैस की आँच हमें यहाँ पर धीमी ही रखनी है में पिघल चुकी है तो अब हम इस दूध को एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे तब तक इसे ठंडा करेंगे उसके बाद आप इसे एक घंटे के लिए फ्रीज में छोड़ दीजिए ताकि क्या होगा कि ये जो कस्टर्ड है हमारा एकदम ठंडा हो जाएगा एक घंटे के बाद जो कस्टर्ड है एकदम ठंडा हो चुका है तो इसमें आप फ्रूट्स ऐड करेंगे आपको जो भी पसंद हो फ्रूट्स वो आप ऐड कर सकते हो तो यहाँ पे मैंने छोटे टुकड़े करके बनाना एप्पल चीकू और ग्रेप्स के डाले हैं थोड़े से अनार के दाने भी डाले हैं आप यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स में आलमंड पिस्ता कश्यू आता है वो भी आप इसमें डाल सकते हो अब हम फ्रूट्स डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे और इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे दिखने में कितना कलरफुल लगता है उतना ही ये खाने में टेस्टी लगता है तो थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना थैंक यू फॉर वॉचिंग